अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कट कॉपी और पेस्ट की कमांड्स क्या होती हैं। ठीक है, ये बेसिक कमांड्स हैं, इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। जिन स्टूडेंट्स को पता है उनके लिए तो बहुत अच्छा है, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता ठीक है कि इनमें क्या डिफरेंस है, इस वीडियो में मैं वो डिफरेंस बताऊँगी। चले आएँ, हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं क्या करूँगी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करूँगी और मैं जो ऑलरेडी जो आप लोगों की पहले से फ़ाइल क्रिएट की हुई है उसको ओपन करूँगी। तो मैं फ़ाइल के टैब में जाके रीसेंट जो फाइल है या कोई सी भी फाइल ओपन कर ली है मैंने। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन पे होम की टैब नज़र आ रही होगी। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल आप लोगों की राइट साइड पे यहाँ आप लोगों को डिफरेंट कमांड्स नज़र आ रही हैं। आप लोगों की डिफरेंट रिबन्स बने हुए हैं, क्लिप बोर्ड का रिबन है आप लोगों का, के बाद आप लोगों को फॉन्ट का रिबन है, फॉन्ट से रिलेटेड कमांड्स हैं, पैराग्राफ का रिबन है, पैराग्राफ से रिलेटेड कमांड्स हैं। तो क्लिप बोर्ड रिबन में आप लोगों की क्या है, कट की ठीक है आपकी कमांड है, कॉपी की है और पेस्ट की कमांड्स हैं। ठीक है, यहाँ स्क्रीन पर आप लोगों को पिक्चर्स की फॉर्म में भी नज़र आ रहा होगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसको हम लोगों ने क्या करवाना है, कट कॉपी करवाना है। तो मैं क्या करूँगी, कॉपी की कमांड पर क्लिक करूँगी, यहाँ से कॉपी। कॉपी में क्या होगा, आपका टेक्स्ट प्रीवियस यहाँ पे भी रहेगा और न्यू पोजीशन पे भी आपका आ जाएगा। तो मैंने जिस पोजीशन पे इसको क्या करना है, लेके आना है इस टेक्स्ट को, तो वहाँ पे मैं क्या करूँगी, कर्सर को लेके आऊँगी। यहाँ पे मैं कर्सर लेके आई हूँ, तो यहाँ आके मैं क्या करूँगी, पेस्ट की कमांड पर क्या करूँगी, क्लिक करूँगी या पेस्ट की कमांड को सिलेक्ट करूँगी जो स्क्रीन पर आप लोगों को नज़र आ रही है। तो मेरा क्या होगा, जो टेक्स्ट आप मैंने क्या किया है, कॉपी किया है, वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो कॉपी में क्या है, आप लोगों का टेक्स्ट प्रीवियस पोजीशन पे जहाँ से हमने इसको कॉपी करवाया वहाँ पे भी होगा और न्यू पोजीशन पे भी आ जाएगा जो टेक्स्ट हम लोगों ने कॉपी किया है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, अब मैं क्या करूँगी, ये आप लोगों को आई होप कॉपी की समझ आ गई होगी। अब मैं फिर टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगी, ठीक है, आप लोगों की सेकेंड जो है लाइन में सेलेक्ट करूँगी, उसके बाद मैं इसको क्या करूँगी, कट करूँगी। यहाँ से ये आपका टेक्स्ट क्या होगा, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको कट करूँगी, यहाँ आप लोगों को नज़र आ जाएगा, ये मैंने कट पे क्लिक किया। ठीक है, आपका टेक्स्ट यहाँ से रिमूव हो गया, आप लोगों को नज़र आ रहा, जो सेकंड आपका पॉइंट था वो यहाँ से रिमूव हो गया है। रिमूव हो के कहाँ चला गया, आप लोगों का क्लिप बोर्ड में चला गया है, टेम्प्रेरी मेमरी एरिया जिसको हम लोग बोलते हैं। यहाँ इस पोजिशन पर जाके मैं इसको पेस्ट करूँगी, तो आप लोगों का क्या होगा, वो टेक्स्ट यहाँ पे आके पेस्ट हो गया, प्रीवियस पोजीशन से ख़त्म हो गया, न्यू पोजीशन पे आपका टेक्स्ट यहाँ पे अपीयर हो गया जहाँ पे आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है। आपने जिस पोजीशन पे लेके जाना है वहाँ पे पहले आप कर्सर को लेके जाएं, फिर आप पेस्ट की कमांड पे क्लिक करें। यहाँ आप लोगों को डिफरेंट शॉर्टकट कीज़ ये मैंने टाइप की हैं, ठीक है, कॉपी पेस्ट और कट की आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रही है। कॉपी की कंट्रोल सी, पेस्ट की कंट्रोल वी, कट की कंट्रोल एक्स है। आप लोग अगर ये इनको यहाँ से यूज़ करना नहीं चाहते होम की टैब से कमांड्स, तो आप क्या है कीबोर्ड से भी इनको ये शॉर्टकट कीज़ को क्या कर सकते हो, प्रेस कर सकते हो, कॉपी पेस्ट ठीक है, या कॉपी कट और पेस्ट के लिए यूज़ कर सकते हो ये कमांड। अच्छा, उसके बाद क्लिपबोर्ड यहाँ पे क्लिक किया मैंने, ये देखिए आप लोगों के जो रीसेंट आप लोगों ने टेक्स्ट को कट किया था वो आप लोगों का यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि ये आप लोगों का टेम्प्रेरी मेमरी एरिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को आई होप इसकी समझ आ गई होगी। एक और आप लोगों को बात बता दूं कि जितनी भी आप लोगों ने, चाहे आप लोगों ने कोई और एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो वहाँ पे कट कॉपी पेस्ट की कमांड यूज़ करनी है, सेम यही प्रोसीजर है। चाहे आप लोग फाइल्स को कट कॉपी पेस्ट करवाना चाह रहे हो, इसका भी सेम यही प्रोसीजर है जो मैंने यहाँ पर अभी बताया है। तो ये कहीं भी आप लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, कट कॉपी पेस्ट को, और जो शॉर्टकट कीज़ है हर जगह पे यही शॉर्टकट कीज़ यूज़ होंगी, इसलिए आप इनको अच्छी तरह से याद कर लें, या आप लोगों से पूछी जा सकती है और आप लोगों को पता होनी चाहिए आप लोगों को, ताकि आप लोगों को इनको यूज़ कर सको इनको इस, क्योंकि इन ये जो बेसिक कमांड्स इनका बहुत ज़्यादा यूज़ है स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी, अगर कोई समझ नहीं आई तो आप लोग मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।